अरे इतना सस्ता एसी, वाह मजा ही आ गया। इस एसी का ना कोई मेंटेनेंस चार्ज हमें देना पड़ेगा, ना कुछ गैस रिफिलिंग चार्ज, कुछ भी हो इसमें कुछ हमें देना पड़ेगा, बस हमें 6,000 रुपये महीना देना, 6,000 रुपये साल का देना है, एक सीज़न का। वाह दोस्तों मज़ा आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फो विद मित्तल में। आज मैं आपको अपने घर में ये मैंने एसी लगवाया इसके बारे में बताऊंगा, जिसका एक सीज़न का सिर्फ 6,000 रुपये आपको देना है, और इसमें आपको ना कोई गैस का चार्जेस देना है, ना आपको आपको मेंटेनेंस, ना कोई इलेक्ट्रिक उसका चार्ज देना, सब ये फिटिंग का चार्ज भी कुछ देना, ये सब आपको सिर्फ 6,000 रुपये ही लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं एसी का ऑलमोस्ट सीज़न अब 2-3 महीने का रह गया, उसके बाद तो सर्दी आ जानी है, एसी उसमें चलना नहीं है। तो एक्चुअली हमारा एसी ख़राब हो गया था, तो हमने ये रेंटेड एसी लगवाया है, पास में ही हमने अपने घर के भी एसी रिपेयर वाले थे, उनके पास एसी रेंटेड एसी था, तो हमसे उन्होंने आजकल जैसा आप जानते हैं दोस्तों, नोएडा इंदिरापुरम वगैरह में रेंटेड एसी का बहुत चलन है, क्योंकि कई बार पानी की वजह से पानी इतना ख़राब है या एनवायरनमेंट इतना ख़राब है कि एसी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उस वजह से आजकल रेंटेड एसी का बहुत चलन है नोएडा इंदिरापुरम वगैरह में, गाज़ियाबाद वगैरह में। तो दोस्तों ये हमने रेंटेड एसी लगवाया है, इसका 6,000 रुपये हमें सीज़न देना है, बट सीज़न के बाद भी ये एसी अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लगवाना ही चाहते हैं आगे के लिए भी, नेक्स्ट सीज़न के लिए भी, तो ये लोग उतारेंगे नहीं, आपका लगा रहेगा, उसके लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगेंगे। तो आपको दोस्तों सिर्फ 6,000 रुपये देना है, तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक साल का आपको 6,000 रुपये देना है। उस दौरान अगर सीज़न में अगर आपका इसमें गैस रिफिलिंग होती है, नेक्स्ट सीज़न में जो आप 6,000 रुपये देंगे उसमें गैस रिफिलिंग होनी है, या कुछ मेंटेनेंस चार्जेस हैं, या इसकी क्लीनिंग वगैरह है, वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ 6,000 रुपये देने हैं इसके एक सीज़न के। सीज़न दोस्तों इनका होता है मार्च से लेकर अक्टूबर तक के लिए, तो आपका 1 अप्रैल से लेकर चालू हो जाएगा 31 अक्टूबर तक के लिए, उसके बाद अगर आप इन्हें कहेंगे उतारने के लिए तो ये आपसे या उतार लेंगे, और आपसे सिर्फ 6,000 रुपये ही लेंगे एक सीज़न का, जो कि एडवांस ले जाते हैं, पहले ही सीज़न लगाएंगे। इन केस अगर आप इनको बोलते नहीं मैं नेक्स्ट सीज़न में कंटिन्यू रखना है, तो ये आपका एसी नहीं उतारेंगे, और जो 6,000 रुपये हैं वो नेक्स्ट ईयर आपसे 1 अप्रैल को ले लेंगे। इसके अलावा कोई आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेंगे दोस्तों, अगर रिमोट एसी के साथ ही आपको रिमोट वगैरह भी देंगे, पूरी फिटिंग करके जाएंगे, एसी पूरा चेक करवा के जाएंगे। अभी जैसे मेरे रिमोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन लोगों ने बीच में एसी का रिमोट चेंज किया, मेरे को दूसरा रिमोट दिया, पूरा वो वर्किंग कंडीशन में है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अच्छी कूलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रेंटेड एसी है तो ख़राब कूलिंग करेगा, वो आपको बिल्कुल प्रॉपर चेक करवा के जाएंगे। बस ये है कि यहाँ थोड़ा सेकंड हैंड है, तो इसमें थोड़ा टेप वेप के निशान पड़े हुए हैं, वो कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने अपना सीज़न निकालना था ये वाला, बाकी 2-3 महीने के लिए क्या नया एसी लेना है। तो जस्ट अभी हमने ये रेंटेड एसी लिया, अब इसको ठीक करवाया, इसको लगवाया, और दोस्तों बहुत बढ़िया कूलिंग करता है ये, और इसमें रिमोट भी बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों ये मेरी एडवाइस है, अगर आप लोगों को पैसा बचाना है, जो लोग इवन जो लोग नया एसी अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, या जिन को लगता है कि अब सीज़न खत्म हो रहा है, मेरे जैसे जैसे सीज़न खत्म हो रहा है, नए एसी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रेंटेड एसी का ऑप्शन अपने नियर बाय लोकेशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसका अमाउंट नियर अबाउट कोई 6,000 कहता है, कोई 7,000 कहता है। दोस्तों ये विंडो एसी का मैंने बताया आपको, जो 6,000 रुपये है, स्प्लिट एसी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट हाँ दोस्तों ये सब मेंटेनेंस चार्ज वगैरह सब के लिए ही फ्री होते हैं, चाहे गैस के चार्जेस हो, चाहे कोई और मेंटेनेंस चार्जेस हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और मेरी वीडियो को बहुत शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।